तीन चीजें हैं जिसकी वजह से वो कलेजा जो है ना कलेजा वो कलेजा हिला हुआ। नंबर एक फ्रस्ट्रेशन है, मुस्तकबिल का खौफ होगा और माजी का गम होगा। और मेरे रब की शान देखें, क्या कुरान दिया मेरे रब ने। अल्लाह कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे खौफ भी नहीं होगा और हजन या हुज़न गम भी नहीं होगा। खौफ और हजन को हमेशा अल्लाह कुरान में साथ लाता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हुज़न माजी का था, वो जो सफ़े फाड़ दिए गए, वो कलम जो तोड़ दिए गए, वो दिल जो टूट गए, वो हाथ और साथ जो छूट गए, वो छुरे जो खोप दिए, वो तीर जो उन्होंने चला दिए, वो कमर जो छली कर दी, वक्त के उस बेरहम माशरे ने उस मासूम को पहचान नहीं सके, उन खामोशियों में वो दरिया ना देख सके, वो समंदर ना देख सके, वो दरिया उस समंदर की पहचान ना कर सका, वो तूफान जो समंदर के पेट में समा ना सका, वो आंसू जो आंख तक आ ना सका, वो आंख जो रुखसार तक बहा ना सकी, वो तन्हाइयां जो ये मजमे देख नहीं सके उसकी, महफिल में बैठा हुआ शेर भी, गीदड़ों के अंदर बैठ के बैठा हुआ एक शेर भी अपनी पहचान करा ना सका उस टाइम, वो जिन्हें लोग अभी तलाश ना कर सके, वो जो चाहता था ये 2 मिनट जो कहते हैं ना 10 मिनट का तेरी बातों का सिर्फ तेरे 10 मिनट का, तो मैं उनसे कहता हूं मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी हैं। जो कहते हैं ना इसकी 10 मिनट की मोटिवेशन है, ये ले शेख आतिफ का जुमला, मेरे 10 मिनट भी तेरे 10 साल पर भारी है, उनके एक इन 10 मिनट के अंदर वो फलसफा जो तुझे 10 साल में ना सका, उनके तू हमेशा से लोगों में फिट इन था, तूने जिंदगी कन्वीनियंस और कायरों वाली जी, तूने वो किया जो सब चाहते थे, रेवर से हट के चलने के अंदर जो बात है, तभी तो मर्दानगी पता चलती है एक शह सवार की, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी है, सबके साथ चलने में क्या बहादुरी हो सकती है, और कभी कभी सबके साथ चलने में ही बहादुरी होती है, सब्जेक्टिव है, लेकिन पॉइंट ये है, वो जो रोक रहे थे, और वैसे ही कभी कभी इंसान को जो महसूस नहीं होता यार पता नहीं क्या बात है, मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, ये ना फीलिंग मैं नहीं फिट हो रहा कहीं, पता नहीं मैं ही शायद पागल हूं, मैं मुझे शायद हंसी नहीं आ रही आजकल, जो रब से दूर था मगर हिम्मत नहीं थी सच अपनाने की, हक अपनाने की, झूठी कॉस्मेटिक लाइफ से बात, हिम्मत नहीं थी है? हिम्मत नहीं थी ये सब छोड़ने की, हिम्मत नहीं, वो अल्फाज जो कभी जुबान पर आ ना सके, वो अल्फाज जो कलाम ना बन सके, वो कलाम जो किताब और खिताब ना बन सका, वो किताब जो तहरीर ना हो सकी कभी, और लोग अपने कलेजों में रख के चले गए इस दुनिया से अपना दर्द, वो औलादे जो बाप का कद ना समझ सकी, वो यार जो यार के होते हुए उस यारी का वजन ना समझ सके, वो दोस्त जो समझ ना सके, वो जो समझ ना सके दुनिया, जो समझ ना सके रहता तुम में था, रहते तुम में थे मगर तुम में नहीं थे। मैं उनसे कहता हूं दर्दों तकलीफ मारते हुए रहम नहीं आया अगलों को, रहम नहीं आया अगले को, अल्लाह रहम नहीं आया अगले को, तोड़ते हुए रहम नहीं आया, तोड़ते हुए रहम नहीं आया, वो जो फतवे लगा गए उन सब घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता, ये तो विरासत है बादशाहों की, ये सब बातें तो विरासत है बादशाहों की, ये तो शेरों की शान है कि उनको मिलता है, गीदड़ों की शान के अंदर ये दर्द थोड़ी आता है, ये तो शेरों को मिलता है ये गम, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी मार्क करनी होती, घबराना नहीं है, हार भी गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, नहीं लगी अगर, नहीं लगे आज हमारे दर्श को भी नहीं लोग लेंगे तो क्या हुआ, 16 साल तो नहीं मशहूर था मैं,
16 साल कहां थी कौम? आई वॉजेंट इवन डिस्कवर्ड। अरे अगर चला भी जाएगा तो क्या है? ये सही होना चाहिए। तो यह मुस्तकबिल का खौफ है जिससे बेचैनी है, फड़फड़ाहट है, या माजी का गम है जो भुला नहीं सके, या एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है तीसरी जो निकाल ना सके। तीन चीजें होंगी अदील भाई, या गम होगा माजी का जो बार बार तंग करता होगा, या खौफ होगा मुस्तकबिल का जो कदम रोकता होगा, या फ्रस्ट्रेशन होगी जब उनका सब कुछ याद आता होगा और निकालने के लिए बंदूक में गोली भरने के लिए, कमान में तीर रखने के लिए, हाथ में छुरा उठाने के लिए बड़े बड़े रीजन नहीं चाहिए होते। इतना भी बहुत था जो उन्होंने किया या जो कर गए वो आपके साथ, मगर एक इमाम, एक लीडरशिप होल्ड करके बैठी। होल्ड कहते हैं ना, वी कैन ऑलवेज फॉरगिव और वी कैन नेवर फॉरगेट। माफ तो किया जा सकता है, बुलाया नहीं जा सकता बहुत सी चीजों। तो वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होगी अंदर, बहुत गुस्सा आ रहा होगा हमारे लोगों को। मेहनत कर रहे होंगे कौम के बच्चे इस टाइम पर, कौम के लोग मेहनत कर रहा होगा भी, और रहम नहीं आ रहा होगा अगले को। रोज उठ के जा रहा होगा और वो कांटों का इतना बड़ा, कांटों का इतना बड़ा पूरा मैट्रेस बिछाते होंगे तेरे आगे। रोज जख्मी होके जाएगा तू, फिर वहां जाएगा, वहां अलहदा जलील हो रहा होगा, वो भी नहीं पहचान सके होंगे। फिर वापस आएगा, सर झुका हुआ होगा उनके जुल्मों से, तो घर वालों का अलहदा होगा, दोस्तों में जाएगा तो ऐसी फनकारियां चल रही होंगी, तन तनहा। घबराना नहीं है, इसी रस्ते के ऊपर आगे मंजिल, मंजिलों से रस्ते मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करेगा एक दिन तू इंशाल्लाह। घबराने की जरूरत, यहां पर बात होगी मुस्तकबिल के खौफ से कैसे बचे शेख, माजी के गम से कैसे बचे हम उस्ताजी। जो गुस्सा पाला हुआ अंदर कैसे कंटेन करेंगे हम शेख? जिंदगी भी छोटी सी है, इतना सबर, इतना सबर शेख, इतना सबर। ठीक है दिल भाई, ये बेस लाइन है। तो आप बोली कुछ नहीं रहे दोनों, नहीं, यू शुड नॉट बी स्पीचलेस, यू शुड स्पीक।